हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फूड एवरी टाइम। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मिल्क पाउडर बर्फी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती हैं। आपको इनका टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इन्हें बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बर्फी बनाने के लिए मैंने एक ट्रे ली है, आप किसी भी इस तरीके की ट्रे यूज कर सकते हैं। तो इसे हम सबसे पहले ग्रीस करके साइड में रख देंगे और इसे सारी साइड से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। और अब इसमें बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने से बर्फी बहुत ही आसानी से बाहर निकल कर आ जाती है। और अब बटर पेपर के ऊपर से भी हम थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस करेंगे। तो ट्रे को ग्रीस करके मैंने रेडी कर लिया है और अब इसे बारीक कटे पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देंगे और अब इसे साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले बर्फी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई को लो फ्लेम पर गर्म करने रखेंगे और इसमें 1/4 कप घी डालेंगे, यानी कि 5 टेबल स्पून घी। इसके साथ ही रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ 1/2 कप दूध डालेंगे। और अब यहाँ मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही 1/2 कप शुगर पाउडर डालेंगे, यानी कि पिसी हुई चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे। इसे आप लो फ्लेम पर मिक्स कर लें, उसके बाद इसका फ्लेम मीडियम करके 5 से 7 मिनट कुक कर सकते हैं। तो इस टाइम मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा था, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसके बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तो जितना हम टेक्सचर को सॉफ्ट रखेंगे हमारी बर्फी उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो इसी स्टेज पर हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही 5 से 6 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डालेंगे। इनसे बर्फी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस की जगह रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को किसी भी फेस्टिवल पर बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही इजी है इसे बनाना। मार्केट से जो हम बर्फी लाते हैं उसमें कई तरीके से मिलावट होती है, हमें नहीं पता होता वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं। और अगर हम इन्हें घर पर बनाते हैं तो ये बहुत ही हाइजीनिक और टेस्टी बनती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मिक्सर थोड़ा थोड़ा रेडी होने लगा है और पैन को भी हल्का हल्का छोड़ने लगा है। इसे हमें बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना है, अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो हमारी बर्फी जो है हार्ड हो जाएगी। तो अब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है, यानी कि हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो हमने ट्रे रेडी की थी उसमें हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ठंडा होने छोड़ दें, उसके बाद इसे ट्रे में ट्रांसफर कर लें। तो मिक्सचर रेडी है, अब हम इसे उसी ट्रे में निकालेंगे जिसे हमने गार्निश करके रेडी किया है। तो सारे मिक्सचर को ट्रे में आप ट्रांसफर करेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे मिक्सचर को अच्छे से फैला लिया है, इसके बाद हम एक स्मॉल बोल से इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बर्फी को मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 आवर्स के लिए सेट होने रख देंगे। तो यहाँ 2 आवर्स पूरे हो चुके हैं और हमारी बर्फी भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बर्फी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम सारे बटर पेपर को धीरे धीरे इससे हटा देंगे। अब हम इसके नाइफ से पीसेस कट करेंगे। पीसेस आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया बर्फी बनकर रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी बर्फी की इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरीके की न्यू रेसिपीज लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।